हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में सेवा दल के अध्यक्ष और सतीश मनचंदा जी के साथ में सेवा दल के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे तूफान में, सेवा दल मैदान में, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। पहले लड़ते चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, लड़ना है इन चोरों से। मोदी अदानी भाई भाई, 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 मोदी अदानी भाई भाई। हाँ अरे मत ये मारू ना करे बाबा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आपको पता है कि आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से ईडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। ऐसे में मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी अपने टीम के साथ बहुत ही आगे मौजूद थे और यहाँ पर वो हमें आप देख सकते हैं कि वो बैठ गए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि हमेशा सेवा दल आगे रहने वाला और आज आगे होते हुए इनको बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी? और सर ये बताइए कि अभी तो हमने देखा कि आप धरना प्रदर्शन में एकदम आगे थे और यहाँ तक कि पुलिस के वैन पे भी आप चढ़ गए थे, तो ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी कि आप अभी आप बैठे हुए दिखाई पड़ रहे, बाकी पूरी टीम खड़ी है? मैं बैठा इसलिए हूँ कि मेरी पैंट फट गई है। पुलिस ने जो चकमकी की गांधी जी की ड्रेस दिखती है, ये सेवा दल की पोशाक देख के और सेवा दल की संख्या देख के, पुलिस पहले सेवा दल पे ही दावा बोलती है। गुजरात में हमारे लालजी देसाई पे दावा बोला जाता है, मुंबई में मुझ पे दावा बोला जाता है। ये मेरी पूरी पैंट फट गई है मेरी बहनों के साथ। अब मैं रास्ते से कैसी फटी पैंट से जाऊं? मैंने किसी से बोल के पैंट मंगाई है, वो आ रहा है, जब वो पैंट आ जाएगा वो पहन करके फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। आज क्या आवश्यकता पड़ी कि मुंबई और कांग्रेस को ईडी कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन करना पड़ा वर्षा जी और प्रमुख नेताओं के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग में? ये जो ईडी कार्यालय पे मोर्चे निकले हैं पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं। आज है 22 तारीख। आपको पता होगा कि जब इलेक्शन की एग्जिट पोल आ रहे थे उसके अंदर एग्जिट पोल रविवार को आए और सोमवार को एकदम सेंसेक्स ऊपर गया और रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सेंसेक्स नीचे आ गया 30,000 30 लाख करोड़ का
घोटाला हुआ है, जो 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वो पैसा किसकी जेब में गया? अडानी की। और अडानी किसका आदमी है? मोदी का है। और एडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि जो सेबी की चेयरमैन है उसका इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरी कंट्रियों से पैसा आया है ले देकर के पैसा इनका ही है। इसलिए इंक्वायरी की मांग की है, ईडी को इनके ऊपर छापा मारना चाहिए। जो भी आदमी मोदी और शाह के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। मगर ये 30 लाख करोड़ का घोटाला जो सीबी के अध्यक्ष के साथ मिल करके हुआ उसकी इंक्वायरी हो, जांच बैठे, इसलिए यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। सेवादल ने बोला अल्लाह नहीं चलेगा रंगा बिल्ला, सेवादल ने बोला अल्लाह नहीं चलेगा रंगा बिल्ला। देश कबल सेवादल, देश कबल सेवादल, देश कबल सेवादल, देश का बंदा तिरंगा नहीं चलेगा तिरंगा, देश का बंदा तिरंगा नहीं चलेगा तिरंगा। जब जब मोदी डरता है जब जब मोदी डरता है वंदे वंदे बोलो भारत माता की जय जय जय, अरे बोलो भारत माता की जय जय जय।